हाय फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई बार अच्छे अच्छे लोगों को कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है, और वो होता है फीट इंच में कैलकुलेट करने में। तो मैं थोड़ी सी एक एग्जाम्पल लेके आज आपको बताऊँगा कि आप अगर फीट इंच का कोई भी कैलकुलेशन आता है तो उसको कैसे करें। तो मान लीजिए कि हम कहीं पे भी कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। जनरली क्या है कि हमारा जो भी काम हम इंजीनियरिंग लेवल पे करते हैं, यानी जो कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो काम ज़्यादातर जो कि हाई लेवल का काम होता है वो आपका मिलीमीटर और मीटर्स में होता है। लेकिन जो भी लोकल लेवल पे काम होता है वो आज भी इंच फीट में हो रहा है। तो इंच फीट में होने की वजह से क्या होता है कि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं कैलकुलेशंस में। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो गलतियां शायद अवॉइड हो पाएंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सपोज कि ये कोई प्लॉट है, सपोज कि कोई प्लॉट है या कुछ भी है जिसको आपको मेजर करना है, और आपने इसको इंच फीट में मेजर किया, और सपोज आपने जो इसकी लंबाई मेजर की, ये मेजर की 50 फीट 4 इंच, और जो चौड़ाई मेजर की वो की 30 फीट 11 इंच। यही है मेरा प्रॉब्लम कि हमने 30 फीट ये मेजर की। अब अगर आपको इसका एरिया बताना हो कि एरिया कितना होगा, एरिया एरिया अगर बताना हो, एरिया अगर आपको फीट स्क्वायर में बताना हो और एरिया अगर मीटर स्क्वायर में बताना हो, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। जनरल कन्फ्यूजन लोग क्या करते हैं, कई बार करते हैं, सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट हैं, कुछ लोग को शायद कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 30.11 इंटू 50.4 और इसको गुना कर देते हैं। चलिए हम इसको जरा एक बार गुना कर दें, 30.11 मल्टीप्लाइड बाई 50.4 और ये आपका आएगा 1517.544। ये कैलकुलेशन आएगा। हालांकि अगर हम ये देखें, थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ हो गई है, हालांकि अगर हम ये देखें तो ये भी जो फिगर है रफली ठीक है, रफ कैलकुलेशंस के लिए ये चल जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत एरर है इसमें, कितना एरर है वो हम लोग अभी कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन अगर आप कोई मोटा मोटा काम देखना चाहते हैं, मोटा मोटा एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन एक्यूरेट ये नहीं है, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ये सही फिगर नहीं है, इसलिए आप कभी इसको सही मत मानिए। हाँ, रफली उसके क्लोज ही होगा। अब देखिए ये गलती हमसे क्यों हुई। एक्चुअली अगर हम इसी मेजरमेंट को मीटर में किया होता, अगर मान लो कोई दूसरा प्लॉट है और हमने उसको मीटर में, मान लीजिए 5.5 मीटर और 40 सेंटीमीटर मान लीजिए मेजर किया होता है ना, और इसको मेजर किया होता 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ऐसा अगर मेजर किया होता तो हम लोग इसको अगर एरिया निकालते तो सिंपली ऐसे निकालते 3.3 इंटू 5.4, और इसमें कोई गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फर्क है सिस्टम का। हमारा जो नंबर सिस्टम है जिसमें हम गुना भाग करते हैं, वो नंबर सिस्टम किस मेथड पे चलता है, वो डेसिमल सिस्टम पे चलता है, और यहाँ भी जो है मीटर और सेंटीमीटर में जो रिलेशन है वो भी डेसिमल सिस्टम का ही रिलेशन है। मतलब 10 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हमने 30 को लिख दिया 0.3 और उसमें ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि 10 इंच बराबर 100 इंच बराबर 1 फुट नहीं होता है, 12 इंच बराबर होता है। तो अगर ये 10 का मल्टीप्लाई में होता कि 10 इंच बराबर 1 फीट होता,
तो हम ये वाला कैलकुलेशन आराम से कर सकते थे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, चक्कर है 12 का। तो 12 का हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कितने पे चेंज होता है, 12 पे वो उसका इकाई ना ही बढ़ता है। और जो हम गुना भाग कर रहे हैं वो बाइनरी मतलब डेसिमल सिस्टम में कर रहे हैं, इसीलिए ये गलती हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो, या तो हम इसको इंच में बदल लें या फिर हम इसको फीट में बदल लें, या तो ये जैसे 30 फीट को भी इंच में लिख के इसके साथ जोड़ दें, या 11 इंच को भी फीट में बदल दें और इसमें ऐड करके तब गुना भाग करेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी, गलती निकल जाएगी और हम सही आंसर पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, वैसे तो आप एक बार सीख जाइए उसके बाद आप फटाफट भी कर सकते हैं। देखिए इसको करने का क्या तरीका है, तो हमारे पास है 50 फीट, तो एल लंबाई एल बराबर लिखते हैं 50 फीट, तो 50 फीट को लिख लेते हैं ऐसे फीट, अब प्लस 4 इंच है, इंच को फीट में बदलना है तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 12 ये हो गया फीट। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50, और ये देखिए 12 में करेंगे तो ये करीब करीब 0.33 आएगा, है ना, तो 0.33 सिंपल फीट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ लिख रहे हैं 50.33, और यहाँ पे हमने क्या लिया था 50.4, तो ये जो 4 की जगह हमने 0.33 लिया था वो गलती किया था, वो एरर हुआ था। अब हम इसको निकालते हैं, इसको लिखेंगे चौड़ाई विड्थ W बराबर 30 फीट को फीट में रहने देते हैं, अब प्लस इसको 11/12 फीट हो जाएगा, अब ये 30 फीट हो गया। अब 11/12 कितना होगा, ये भी करीब 1 के बराबर होगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, डिवाइड कर लिया ये आता है 0.91, तो 0.91 मान लेते हैं इसको, तो ये भी हो जाएगा फीट में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30.91 फीट। अब हमारे पास दो, अब देखिए हमने 30.91 को क्या लिया था 30.11 लिया था, है ना, तो यहाँ पे भी हमने ये काफ़ी कम ले लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा एरर, इसमें भी एरर था, हमने लंबाई में भी गलती की और चौड़ाई में भी गलती की। अब हम इन दोनों को गुना करके देखते हैं कि कितना आता है, तो एरिया अगर निकला होगा तो कितना हो जाएगा 50.33 फीट गुना 30.91 फीट, इसको गुना करते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 50.33 गुना 30.91, दिस इज बिकम्स 1555.7, अब ये आता है 1555.7 फीट स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे कितना एरर आया, अब आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, हमारे पास जो पहला फिगर था वो कितना था, वो था 1517 और ये आता है 1555, तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो देखते हैं एरर कितने का था, 1555.7 माइनस 1517.5, तो मोटा मोटा जो है हमारा एरर आ गया 38 स्क्वायर फीट का, 38 स्क्वायर फीट का एरर आ गया था। तो अगर आपके लिए 38 स्क्वायर फीट, अगर 1500 के सामने 38 देखें तो 10 काफ़ी कम है, इतना एरर अगर आप कुछ कैलकुलेट करने, कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। अब अगर इसी को कोई कहे कि इसको आप एरिया को मीटर स्क्वायर में बदल दीजिए, आप मुझे मीटर स्क्वायर में बताइए, आपने मेजर किया तो आपने फीट स्क्वायर में निकाल लिया है, अब फीट स्क्वायर को मैं ऊपर लिखता हूँ, जैसे अब हमारा एरिया है 1555.7 फीट स्क्वायर है,
तो एक्चुअली फीट स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि फीट गुना फीट है, इसको मिटा के यहाँ लिख सकते हैं हम फीट गुना फीट, है ना। अब फीट की जगह हमको मीटर लिखना है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा बता रहा हूँ 3.28 फीट बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 फीट बराबर 1/3.28 मीटर, है ना। तो यहाँ पे 1 फीट है तो वो हमें उसकी जगह ये लिखना पड़ेगा। तो हम सिंपली ऐसे करें 1555.7 इंटू 1 फीट की जगह क्या लिख सकते हैं 1.32 मीटर, 3.28 मीटर, और दूसरी फीट के लिए भी 1/3.28 मीटर। बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ ना, हाथ थोड़ा चल नहीं रहा। तो सिंपली अगर मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से सजा के 1555.7 / 3.28 / 3.28 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑब्वियसली कैलकुलेटर से करेंगे। अब कमेंट मत करना कि टीचर हो के आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैं कैलकुलेटर नहीं हूँ। (3.28/3.28) कर दिया, यह आ गया 144.6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया आपका मीटर स्क्वायर में, ये एरिया हो गया आपका फीट स्क्वायर में। इसी तरह अगर आपको कोई वॉल्यूम निकालने के लिए दे तो उसमें क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज़ें मेजर करनी होंगी। जैसे आप इस कमरे का अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना हो, और उसको भी फिर इसी तरह से पहले हम फीट में कन्वर्ट करेंगे और फीट में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आराम से उत्तर निकल जाएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको बताइए, आप इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कि एक रूम है, है ना, एक कमरा है, और उस कमरे को आपको पेंट करना है, है ना, कमरे को पेंट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने स्क्वायर फीट में पेंटिंग करनी पड़ेगी, ये कमरा है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, इसका मैं फीट दे देता हूँ, इसकी हाइट है, ये हाइट है 10 फीट, है ना, और ये इसकी चौड़ाई है 13.5 इंच, 13 फीट 5 इंच, ठीक है, और लंबाई है 12 फीट 6 इंचेज। तो ये इसका डायमेंशन है। अब दो चीज़ बताइए मुझे, पहला कि पेंटिंग का एरिया कितना होगा फीट स्क्वायर में, पेंटिंग एरिया इज इक्वल टू व्हाट इन फीट स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, दोनों में बताइए, एंड मीटर स्क्वायर में बताइए। और दूसरा मुझे इस कमरे का वॉल्यूम बताइए, फीट क्यूब में वॉल्यूम भी आ जाएगा, फीट क्यूब एंड मीटर क्यूब में। इन दोनों का आंसर आप निकालिए, निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है और कितने लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। अगर इस मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट लाइक करिएगा, लाइक करने से किसी को भी कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है। और ऐसे ही और वीडियो चाहिए, और भी किसी तरह का कोई कैलकुलेशन में कुछ में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। तो हमारे साथ, और अगर आप गलती से इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।